यूपी में इन दिनों जंगली जानवर लगातार आबादी में घुसकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। वहीं अब अलीगढ़ में भेड़िए की तस्तक का दावा लोग कर रहे हैं। कोल तहसील के नकला मेवाती गांव में भेड़िए ने एक किसान पर हमला कर दिया, जिसमें किसान का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक भेड़िया भाग गया। जख्मी किसान को सीएचसी अकराबाद में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने भेड़िए की खबर पुलिस और वन विभाग को दी। भेड़िए को पकड़ने की गुहार लगाते ग्रामीण नजर आए। अलीगढ़ में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव जहरौली में, जहां एक महिला समेत तीन लोगों को गंभीर रूप से 5 दिन पूर्व घर के बाहर सोते समय लहूलुहान कर दिया था। वहीं 2 जानवरों को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। आज दिन में करीब 12 बजे जो गुलशेर नाम का व्यक्ति अपने खेत पर काम करने गया था कि तभी बाजरे के खेत में एक भेड़िए के द्वारा नील गाय के बच्चे को शिकार बनाकर खा रहा था कि जैसे ही उसकी नजर गुलशेर पर पड़ी और उसने उस पर झपट्टा मार के बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गुलशेर को गंभीर अवस्था में अकराबाद सीएससी प्राथमिक केंद्र पर लाकर उसको भर्ती करा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि इस पूरे मामले की सूचना उनके द्वारा थाना जो है अकराबाद पुलिस और जो है वन विभाग की टीम को दे दी गई है। बड़ा सवाल उठता है, जिस तरह से 5 दिन पूर्व तहसील इगलास में भेड़िए के द्वारा 3 लोगों को हमला कर घायल कर दिया गया था, तब से अब तक वन विभाग की टीम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। क्या लगता है कि वन विभाग किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है? न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। करी चिकनी कढ़ाई।